हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग अपनी वीडियोस को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी वीडियो को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस आपके स्मार्टफोन पर भी प्ले हों या फिर किसी भी डिवाइस के लिए आप उसको कैपेबल बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। तो आज हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे इसका नाम है आइडियल शेयर वीडियो गो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएं तो यहां से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर ना सिर्फ वीडियो को कन्वर्ट कर सकता है बल्कि आप इसकी मदद से वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं, उसमें इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्री ट्रायल के बटन पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपने वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी एक वीडियो फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इंपोर्ट होकर हमारे सॉफ्टवेयर में आ चुकी है। तो कन्वर्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि इसकी कुछ आप एडिटिंग कर लें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप वीडियो को ट्रिम करना चाहते हैं तो यहाँ ट्रिम वाले सेक्शन पर क्लिक करें तो आप लोग जितनी वीडियो को ट्रिम करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिम का सेक्शन मौजूद है, नीचे स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, वहाँ से आप लोग टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितनी वीडियो को आप ट्रिम करना चाहते हैं। इसके साथ क्रॉप का बटन मौजूद है, यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी एस्पेक्ट रेशियो भी सेट कर सकते हैं। और इसके साथ ऑप्शन है इमेज का, इसकी मदद से आप लोग अपने वीडियो में ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और सैचुरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब लोग आप अपनी एडिटिंग से मुतमिन हो जाएं तो नीचे अप्लाई टू ऑल के बटन पर क्लिक करें, नहीं तो रीसेट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद ऑप्शन है वाटरमार्क का, आप लोग यहाँ से अपनी वीडियो में वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से एनेबल वाटरमार्क के सेक्शन पर क्लिक करें और नीचे टेक्स्ट में आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसको आप लोग एज अ वाटरमार्क यूज़ करना चाहते हैं। आप लोग टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग वाटरमार्क का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है इफ़ेक्ट का, यहाँ पर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट दिए गए हैं, आप लोग अपनी वीडियो में इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑडियो का, यहाँ से आप लोग ऑडियो की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, उसका कोडिक चेंज कर सकते हैं, सैम्पल रेट, चैनल या फिर ऑडियो बिट रेट भी चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है सबटाइटल का, तो यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो में सबटाइटल ऐड कर सकते हैं और उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं और फिर फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रेफरेंसेस का, यहाँ से आप लोग अपने सॉफ्टवेयर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जनरल में आप लोग आउटपुट फोल्डर चेंज कर सकते हैं कि आपकी वीडियो कहाँ पर सेव हो। इसके बाद हमारे पास स्प्लिट का ऑप्शन है और लास्ट में एडवांस का ऑप्शन है जिसमें डेट एंड टाइम और दूसरी सेटिंग्स दी गई हैं। जनरल में आप लोग आउटपुट फोल्डर चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी वीडियो कन्वर्ट होकर कहां पर सेव हो। नीचे स्नैपशॉट फोल्डर है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्रीनशॉट लेते हैं वो कहां पर सेव हो। इमेज टाइप है कि वो जेपीजी में सेव हो या फिर पीएनजी में। एक्शन से आप लोग एक्शन सेट कर सकते हैं कि जब आपकी वीडियो कन्वर्ट हो जाए तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, लॉग ऑफ हो जाए, हाइबरनेट या फिर एग्जिट प्रोग्राम। तो फिलहाल मैं इसको नो एक्शन पर ही रहने देता हूँ। और इसके नीचे दूसरी सेटिंग्स है जैसा कि GPU वगैरह। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपका कितना CPU यूज़ करें वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा स्पीड चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको 80% या फिर 100% भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको ओके कर दें तो स्प्लिट में भी आप लोग डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं जिसमें नेमिंग रूल्स वगैरह हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें टाइटल्स वगैरह हैं और दूसरे चैप्टर टाइटल्स, प्रीव्यू वगैरह। और इसके बाद एडवांस का ऑप्शन है जिसमें आप लोग डेट एंड टाइम और स्टेप्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद प्रोफाइल के आगे आपको एक और सेटिंग का बटन नज़र आएगा, इस पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो मज़ीद सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी जिसमें आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी, ऑडियो क्वालिटी जिनको आप लोग नॉर्मल से HD में कर सकते हैं
और इसके अलावा आप लोग वीडियो साइज चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, कोई भी वीडियो साइज को चूज कर सकते हैं। एडवांस में भी कुछ सेटिंग्स दी गई हैं जिनको आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आपको ये प्ले के बटन पर क्लिक करना है, आपकी वीडियो कन्वर्ट होकर आपका कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।